हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेवल 5 के रिज़ल्ट के ऊपर। लेवल 5 का रिज़ल्ट कब जारी हो सकता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, टोटल 21 आरआरबी में से एक आरआरबी आपका चेन्नई जोन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दे दिया गया है। 26 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा और इसी दौरान जो है वो मेडिकल यहाँ पे होने वाला है। देखिए साथियों, ये आपका जो यहाँ पे नोटिस आया हुआ था, कल रात को आया हुआ था और उससे पहले भी एक नोटिस यहाँ पे पब्लिश किया गया था दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग और लेवल 5, 4, 3, 2 के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। देखिए वहाँ पर एक पॉइंट आपने अगर गौर नहीं किया है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लेवल 5 का रिज़ल्ट कब जारी हो सकता है। साथियों देखिए, ये कल के डेट में ही नोटिस पब्लिश हुआ था। यदि इस नोटिस का 6, 7 और 8 ये तीनों पॉइंट आपने समझ लिया होगा तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि लेवल 5 का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। देखिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए 6 पॉइंट में बोला गया है, द कैंडिडेट्स फाउंड मेडिकली अनफिट फॉर द पोस्ट इन द पे लेवल 6 विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू नेक्स्ट लोअर पे लेवल पोस्ट एज पर देयर मेरिट एंड मेडिकल फिटनेस इन दैट रिस्पेक्टिव पे लेवल। बोला जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो लेवल 6 के अंदर अनफिट हो जाते हैं, मेडिकली अनफिट हो जाते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं, उनको लोअर लेवल के लिए कंसीडर किया जाएगा, लोअर लेवल के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, तो अगर लोअर लेवल के वो कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं और मेडिकल को क्लियर कर पाते हैं, मेडिकली फिट होते हैं तब, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जब तक कि आपका लेवल 6 का मेडिकल ना हो जाए, जब तक कि लेवल 6 का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक कि आपका लेवल 5 का रिजल्ट नहीं जारी होगा। इसके लिए आप श्योर हो जाओ, क्योंकि साथियों यहाँ पे एक आपको आइडिया दे दिया गया है कि जैसे ही कैंडिडेट लेवल 6 के अंदर यहाँ पे अनफिट हो जाते हैं तब उनको लोअर लेवल के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जा सकता है। ठीक है, देखिए 7वां पॉइंट में क्या बोला गया है, द कैंडिडेट्स फाइनली इम्पैनल्ड आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 विल बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब छोड़ करके, इन शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस टू अदर लोअर पे लेवल पोस्ट। देखिए अगर यहाँ पे मेडिकली फिट हो जाते हैं लेवल 6 के अंदर और उनको इम्पैनल कर दिया जाता है लेवल 6 के पोस्ट के अंदर, तब उनकी दावेदारी दूसरे लोअर पोस्ट से हटा दी जाएगी और उनको दूसरे लोअर पोस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, दूसरे लोअर पोस्ट के लिए उनका रोल नंबर को काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों, जब उनका रोल नंबर काउंट नहीं किया जाएगा तो नीचे वाला पोस्ट के अंदर जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, इस कैंडिडेट्स नीड्स टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली वंस इन नॉर्मल कोर्स। देखिए प्रत्येक कैंडिडेट को यहाँ पे एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। देखिए डॉक्यूमेंट मेडिकल के अंदर मान लीजिए कि A2 क्राइटेरिया में यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाते हैं तो वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि A2 नॉट फुलफिल्ड और बाकी B2 हो गया, C2 हो गया, इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और मान लीजिए कि B2 के अंदर आप B2 क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो C2 क्राइटेरिया के लिए आप फुलफिल समझे जाएंगे, जो कि टाइपिंग वाला पोस्ट, जितना भी चाहे लेवल 5 का टाइपिंग वाला पोस्ट हो या फिर लेवल 2 का टाइपिंग वाला पोस्ट हो, सबके लिए यहाँ पे C2 मेडिकल क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, देखिए 8वां नंबर में बोला गया है, देयर आफ्टर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ अदर लोअर पे लेवल्स, पे लेवल 5, 4, 3, 2 विल बी पब्लिश्ड इन फेज्ड मैनर। देखिए देयर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद। ठीक है, इसके बाद आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा लोअर पे लेवल के लिए, लेवल 5 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए और फिर 2 के लिए। तो यहाँ से इन तीनों पॉइंट से आपको ये पूरी तरीका से समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि जब तक कि लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कि लेवल 6 के अंदर कैंडिडेट्स इम्पैनल नहीं हो जाते हैं, तब तक यहाँ पे आपका लेवल 5 का रिजल्ट नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, चूँकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे चेन्नई जोन के अंदर 26 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में DB और मेडिकल का प्रोसेस चलने वाला है,
देखिए डीबी के साथ ही आपका मेडिकल एक दो दिन के साथ में ही हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये चेन्नई जोन का हुआ है, बाकी 20 आरआरबी जो बचे हुए हैं उनका भी आज के डेट में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा और वो भी जल्द से जल्द डीबी और मेडिकल का प्रोसेस करवा लेंगे। अब ये सवाल उठता है कि लेवल 5 का रिज़ल्ट कब जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों लेवल 5 का रिज़ल्ट जो है वो अक्टूबर के सेकेंड वीक के अंदर आप मान के चल सकते हो, अक्टूबर के सेकेंड वीक के अंदर आपका लेवल 5 का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। और कब तक, तो एग्जैक्टली मैं डेट बता देता हूँ आपको, 15 अक्टूबर। देखिए साथियों 15 अक्टूबर तक आपको लेवल 5 का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो हालांकि थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए साथियों, क्योंकि यहाँ पे अगर इम्पैनल हो जाते हैं लेवल 6 वाले कैंडिडेट तो फिर उनके मार्क्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा और ऑटोमेटिकली साथियों नीचे वाले पोस्ट के लिए कट ऑफ जो है वो डिक्रीज कर दिया जाएगा। आपने 3 साल इंतज़ार किया है दोस्तों, तो आपको थोड़ी दिनों के और समय है, थोड़े दिन और इंतज़ार कर ले, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।